व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं मैकबुक एयर जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया है, मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि कैसा है, क्या है, ठीक है। सो अनबॉक्सिंग के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है, लाइक इसमें मैकबुक एयर पैक्ड है, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जो सीरियल नंबर होता है, पार्ट नंबर होता है, जो एप्पल की तरफ से दिया जाता है, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। यहाँ पर उसका लेबल लगा हुआ है, आप देख सकते हो, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर भी लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे उसका डिटेल में लिखा हुआ है। तो सीरियल नंबर जो हम पीसी पे डाल के चेक करेंगे, चेक एप्पल वारंटी पे, जो ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ओके। तो अब इसको, इस बॉक्स को खोलते हैं। सो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा हमें मिलता है, मैकबुक एयर लिखा हुआ है, एप्पल का लोगो बना हुआ है, एंड जो डिटेल्स है वो पीछे की तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है। मैकबुक एयर जो सीरियल नंबर है, पार्ट नंबर है, ओके। एंड यहाँ पे हमें कुछ इसका स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, 13 इंच, 1.8 GHz हेडफोन जैक, एंड जो भी इसका स्पेसिफिकेशन हमें मेंशन किया गया था वो यहाँ मिल जाता है हमें। एंड नाउ इसके अंदर हमें हमारा मैकबुक मिलता है, तो इसको लिफ्ट अप करते हैं एंड इसके अंदर देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। लाइक ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये अडेप्टर हो गया, ये अडेप्टर हो गया विथ केबल हो गया, एंड ये एक जैक हो गया। और बॉक्स में हमें कुछ नहीं मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल के लैपटॉप के साथ हमें बैग फ्री नहीं मिलता है, तो इसमें इतना ही कुछ है, ठीक है। ये ऐसा हमें मिलता है। अब इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पे ये बूट हो रहा है, फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है ये मैक। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट बूट है मेरे मैक का, एंड बूट होने के बाद मैक कुछ ऐसा ही दिखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्पल में जाके इसका अबाउट दिस मैक चेक करते हैं। तो जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देख सकते हो कि मैक ओएस सीरिया जो प्री इंस्टॉल्ड इसमें आ रही है, 10.1.2, 1.6, 1.8 GHz का प्रोसेसर है, i5, 8 GB मेमोरी है इसका, रैम इंटेल HD ग्राफिक्स इनबिल्ड है जो भी, और सीरियल नंबर इसका ये है, ठीक है। तो अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सीरियल नंबर चेक करना होगा, कि सीरियल नंबर चेक माई एप्पल वारंटी पे, तो हम अपना सीरियल नंबर चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें चेक एप्पल वारंटी हम सर्च करेंगे एंड चेक एप्पल वारंटी पे जाएंगे वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, ठीक है, उसकी वारंटी कितनी है वारंटी। तो कंटिन्यू, सो प्लीज़ वैलिडेट योर प्रोडक्ट परचेज डेट। तो मैकबुक इसमें हमें ये दिखा रहा है कि योर सर्विस एंड सपोर्ट, कि ये सीरियल मैकबुक है तो सही, लेकिन ये अभी तक वैलिड नहीं किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एप्पल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपना एप्पल अकाउंट से साइन इन करेंगे, इसकी प्रोडक्ट की वारंटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।